हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं आपके साथ अपना लिविंग रूम का टूर शेयर करने वाली हूँ। सो दिस इज एन अपडेटेड टूर ऑफ माय लिविंग रूम एंड आल्सो आई विल शेयर व्हाट ऑल न्यू चेंजेस आई हैव डन इन द लिविंग रूम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शूट करने से पहले थोड़ा तो रेडी होना बनता ही है। तो पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑयल इन माय हेयर एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग गुड वाइब्स अनियन हेयर फॉल कंट्रोल हेयर ऑयल। दिस हेयर ऑयल डजंट हैव एनी पैराबेन एंड मिनरल, मतलब पैराबेन एंड मिनरल फ्री है, जो केमिकल्स बहुत ही हानिकारक होता है आपके बालों के लिए। ऑल्सो जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे इस ऑयल का, ये बहुत ही लाइट वेट था। तो हेयर ऑयल अप्लाई करने से पहले मैं उसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। 30 सेकेंड टू 1 मिनट इज मोर देन इनफ। उसके बाद मैं बहुत अच्छे से चंपी करती हूँ। एटलीस्ट वीक में 2 बार तो मैं हेयर ऑयल करने की कोशिश करती ही हूँ। एंड चंपी करने के बाद मैं 1 घंटे तक अपने बालों को वैसे ही छोड़ देती हूँ। बाद मैं अपने बालों को वॉश कर लूंगी एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग एल्प्स गुडनेस स्विस लव कोकोनट अर्गन ऑयल एंड हाइलुरोनिक एसिड शैम्पू, विच इज वेरी हाइड्रेटिंग एंड नरिशिंग शैम्पू फॉर ड्राई हेयर। इट ऑल्सो हैज हाइलुरोनिक एसिड एंड कोकोनट ऑयल। दिस इज ऑल्सो पैराबेन फ्री एंड सल्फेट फ्री। कंडीशनिंग के लिए आफ्टर शैम्पू मैं लगाती हूँ गुड वाइब्स अनियन हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर। दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो पैराबेन फ्री एंड इसको मैंने अभी यूज करना स्टार्ट किया है। एंड दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन विद द एल्प्स गुडनेस शैम्पू। आई कैन सी अ होल लॉट ऑफ सॉफ्टनेस एंड वॉल्यूम इन माई हेयर। तो मेरे लिए काफी अच्छा काम कर रहा है ये कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट स्टेप इज फेस वॉश। तो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लेंजिंग फेस वॉश, विच इज ऑल्सो पैराबेन एंड मिनरल ऑयल फ्री। तो जितना हो सके ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना जिसमें पैराबेन, सल्फेट या फिर कोई मिनरल ऑयल ना हो। सो आई एम अप्लाइंग द फेस वॉश वेरी सॉफ्टली विद सर्कुलर मूवमेंट्स बिफोर आई वॉश माई फेस। शावर आई ऑलवेज अप्लाई बॉडी लोशन। तो यहाँ मैं अल्प्स गुडनेस जेल बॉडी लोशन यूज कर रही हूँ। इसके 2 वेरिएंट आते हैं, वन इज रोज एंड द अदर इज क्यूकम्बर। तो टुडे आई एम यूजिंग रोज। दिस बॉडी लोशन इज परफेक्ट फॉर समबडी हु इज हैविंग ऑयली स्किन। तो मेरा मीडियम स्किन है, मॉडरेट, इट्स नॉट वेरी ड्राई, वेरी ऑयली। तो मैंने रिसेंटली इसको यूज करना स्टार्ट किया है। बट आई वुड सजेस्ट अगर आपका बहुत ही ड्राई स्किन है, प्रोबेबली दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बट इफ यू आर समबडी हु इज हैविंग ऑयली स्किन, देन यू कैन गो फॉर इट। उसके बाद मैं फेस पे थोड़ा टोनर अप्लाई करूंगी एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस ऑयल कंट्रोल फेस टोनर फ्रॉम टर्म डॉक। ये काफी अच्छे से आपके स्किन को हाइड्रेट करता है एंड अगर पोर्स है तो उसको भी मिनिमाइज करता है। एंड लास्ट में मैं अप्लाई कर रही हूँ ये ऑयल कंट्रोल फेस सीरम फ्रॉम टर्म डॉक, विच रिड्यूसेस रेडनेस ऑन स्किन। दिस इज ऑल्सो पैराबेन एंड सल्फेट फ्री। ये सारे प्रोडक्ट मैंने purple.com से मंगवाया था। मैं उनका लिंक डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप भी ये सारे प्रोडक्ट पर्पल से खरीद सकते हैं। सो फाइनली आई गॉट रेडी एंड वीडियो शूट करने से पहले ये थोड़ा तामझाम हम लोगों को करना पड़ता है एंड आई थिंक दैट टोटली मेक सेंस। नाउ फॉर द लिविंग रूम टूर, मैंने ऑलरेडी मेरे लिविंग रूम टूर इस चैनल में शेयर किया है। ऊपर कहीं लिंक मैं डाल दूंगी तो आप उस लिंक को चेक कर सकते हो। आई थिंक वो 1 साल पुराना वीडियो है एंड इस 1 साल में काफी कुछ चेंज हो गया है मेरे लिविंग रूम में। सो मैंने सोचा क्यों ना एक अपडेटेड लिविंग रूम टूर आपके साथ शेयर किया जाए। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स जस्ट dive into the video now। ये मेरे घर की मेन डोर है। यहाँ से अंदर आते ही मेरा लिविंग रूम स्टार्ट होता है। ऑन द राइट हैंड साइड मैंने एक छोटा सा रैक इंस्टॉल करवाया है। ये रैक मैंने पेपर फ्राई से परचेज किया था। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा निक नैक कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं एंड ऑल्सो आई हैव केप्ट दिस वन पोस्टर जिसमें लिखा है दिस इज माई हैप्पी प्लेस। दिस इज बेसिकली ऑल्सो अ की होल्डर। तो कीज जो है बाहर से आते ही हम लोग यहाँ हैंग कर देते हैं तो आसानी से हम लोगों को नेक्स्ट टाइम मिल भी जाता है। एंड ऑल्सो देयर आर फ्यू ऑफ माई ब्रशेस एंड एक आर्टिफिशियल फ्लावर। तो बहुत ही वेलकमिंग एक फीलिंग देता है।
on the left hand side I have the shoe rack. Now this shoe rack is an old one. जब हम लोग rented apartment में रहते थे काफ़ी दिन से ये shoe rack हमारे पास है. बाद में जब हमने इस घर में shift किया तभी भी मैं इस shoe rack को यहाँ लेके आई थी. इसके ऊपर मैंने रखा है थोड़ा सा decor products, कुछ money plant cuttings ताकि ये place भी थोड़ा सा bright and colorful दिखे. नाउ शू रैक के साइड में कॉर्नर में मैंने रखा है एक आर्टिफिशियल प्लांट. दिस प्लांट आई गॉट फ्रॉम अ लोकल स्टोर, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको कोई लिंक नहीं दे सकती. एंड ऑल्सो देयर इज अ फ्लोर लैम्प. नाउ दिस लैम्प इज अ रिसेंट एडिशन इन माई लिविंग रूम फ्रॉम Amazon. काफ़ी अच्छा हैंड ओवन बैम्बू एंड वुड का काम किया हुआ है. द बेस इज वुड, हाउएवर द बॉडी इज बैम्बू. मैं जब नाइट व्यू शेयर करूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि कितना प्यारा लगता है रात को जब इसको मैं चलाती हूँ. Now we have false ceiling in our living room. False ceiling can be excellent helpful for your lighting solution. बहुत अच्छे से आप focal light install करवा सकते हैं with the help of false ceiling. Also false ceiling can help to make the room much more cooler. Many of us are not aware that false ceiling also helps with better optimization of air conditioning. तो अगर आप घर को थोड़ा ठंडा रखना चाहते हैं तो false ceiling is a very good option. यहाँ हमने एक लेज इंस्टॉल करवाया है टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ अ डिवाइडर. नाउ इससे क्या हो रहा है, वी आर नॉट अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ लाइट और व्यू बट एट द सेम टाइम क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ अ डिवाइडर. दिस इज वन ऑफ द गुड सॉल्यूशंस टू क्रिएट अ डिवाइडर बिटवीन योर ड्रॉइंग एंड डाइनिंग रूम. Now we have used wallpaper in this wall. मैंने ये एक लोकल शॉप से खरीदा है. I will leave the details in the description, तो आप चेक कर सकते हैं. Now comes the sofa. मैंने रिसेंटली अपने सोफा को चेंज किया है. आप अगर बहुत दिन से मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा पहले मेरा एक दूसरा सोफा हुआ करता था. Now this is a sofa cum bed and we wanted to utilize the space maximum and that's why we have converted the sofa into a sofa cum bed. तो क्यों मैंने सोफा कम बेड बनवाया है, क्या इसका प्लस पॉइंट है, मटेरियल भी मैंने चेंज किया है, क्यों मैंने ये नया मटेरियल चेंज किया है, या फिर एक सोफा खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखना पड़ता है, अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं. मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ क्योंकि इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा. ऑल्सो दिस कुशंस आर फ्रॉम फैब इंडिया. तो अभी समर चल रहा है एंड बहुत ही सटल कलर मैंने यूज किया है उस हिसाब से कुशन कवर्स में. दे क्रिएट अ वेरी सॉफ्ट एंड वेलकमिंग लुक. With this sofa, we have also custom made this chair. Now this is a kind of a armchair, बहुत ही comfortable है बैठने में. And जो color combination है fabric का, थोड़ा contrast में हम लोगों ने choose किया है. With the grey color of the sofa, this green color fabric of the chair is vibing absolutely nicely and also creating little bit of contrast for the eyes. बहुत ही एक soothing effect create करता है. And purposefully, I have not chosen any bright color. नाउ सोफा के सामने सेंटर टेबल में मैंने एक ट्रे रखा है एंड इस ट्रे में कुछ निक नैक प्रोडक्ट्स है जो हम लोगों को डेली बेसिस में चाहिए होता है, जैसे कि कोस्टर्स, रिमोट्स एंड ऑल्सो वन कैंडल एंड सम मनी प्लांट्स. सो एट द सेम टाइम आई हैव गिवन दिस प्लेस अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीन टच एंड मेड इट एब्सोल्युटली फंक्शनल. नाउ कमिंग टू द कार्पेट, we had got this carpet from Urban Ladder. Now something to remember if you are buying a carpet for your room, try to go for the full length carpets instead of the small ones. In that way your room will get a fuller view and it will create a illusion of a larger view. Aapka room kaafi bada dikhne lagega agar aap ek full length carpet choose karte hain. Now opposite to my sofa is my TV unit. It has two parallel racks. Let us see on the top rack what we have kept. So we have kept all the small artifacts which we have collected from different travel destination, जहाँ भी हम लोग travel करने जाते थे थोड़ा बहुत souvenir तो collect करते ही थे and वही सब मैं यहाँ सजा के रखी हूँ. So you can see pieces from Gangtok, Coorg, Goa, Abu Dhabi, Dubai, Kolkata and so on and so forth. Now coming to the lower rack, यहाँ मैंने एक candle stand रखा है and I got this candle stand from home center. यहाँ एक शंख रखा है and ये शंख मुझे मिला है मेरे grandmother से and यहाँ मैंने एक picture रखा है मेरे और शौभिक का.
Now coming to the TV, we have installed a wooden panel behind the TV which has hidden all the wires. So isse TV area kafi neat and tidy lagta hai. Also we have installed white backlight behind the wooden panel. I will share how it looks when I share the night look at the end of the video. Now at the opposite corner, मैंने अपना स्पीकर रखा है, एक ओल्ड टेरानियम रखा है, उसके प्लांट्स तो अब नहीं रहे, बट मैंने कुछ निकनैक उसमें रखा है ताकि वो थोड़ा क्यूट दिखे. Then I have kept a flower vase. This flower vase is a gift from my friend, but आपको होम सेंटर में मिल जाएगा. And few of the fragrance balls. So this is the entire look of the TV unit. Also नीचे हमने थोड़ा सा फ्लोर स्पेस छोड़ा है and we keep one ottoman here ताकि क्विकली बाहर से आके कोई वहाँ बैठ भी पाए. Now beside the sofa, I have kept this stool. यहाँ हम लोगों की modem and intercom रहता है. Now चलते हैं दूसरी तरफ. यहाँ मैंने एक crockery कम cellar रखा है. इसका एक full tour मैंने already इस channel में share किया है. तो मैं आज detail tour नहीं share करूँगी. आप ऊपर जो link है उसको click कर सकते हैं. यहाँ मैंने एक money plant रखा है and there are All the crockeries and glasses and cups etc. are kept in this shelf. ये मैंने एक local furniture shop से खरीदा था, तो मैं कोई link वगैरह या फिर कोई reference आपको नहीं दे सकती. But ये काफी cost effective था and 5 साल पहले खरीदा हुआ था, तो अभी तक बहुत अच्छे से this is actually holding all my crockery pieces. Now moving on to the other side, यहाँ से मेरा balcony दिखता है and balcony के side में ही मैंने रखा है एक छोटा सा bookshelf. Now this bookshelf is a very old furniture, I think some 9 years old furniture. मैं बहुत पहले खरीदी थी and बहुत ही ordinary है but बहुत काम की चीज़ है. Now इस bookshelf का भी मैंने tour share किया है, ऊपर लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. यहाँ मैंने एक पोस्टर रखा है which I got from Dubai and which is very quirky and also I got this industrial lamp from a arts and craft mela in Bangalore. यहाँ books के साथ साथ कुछ और भी knick-knack products रखा है, एक money plant रखा है and I have also kept some of my arts and craft supply. Now you can see just adding a simple money plant just changed the vibe of this entire bookshelf. यही होता है in each and every corner where you add plants. सुबह सुबह मेरे बालकनी से बहुत अच्छा धूप आता है पूरे लिविंग एरिया में एंड काफी देर तक वो धूप रहता है. तो ये मेरा बहुत पसंदीदा जगह है जहाँ मैं हर सुबह आती हूँ एंड थोड़े देर तक खड़ी रहती हूँ ताकि ये धूप मैं आराम से एंजॉय कर पाऊँ. Now coming to the opposite direction, यहाँ मैंने अपना वर्क स्टेशन सेटअप किया है. अभी वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है काफी दिनों से, तो एक बहुत कंफर्टेबल वर्क स्टेशन होना बहुत ही जरूरी होता है. यहाँ मैं दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे स्पेंड करती हूँ. सो यहाँ भी मैंने कॉर्नर में एक मनी प्लांट रखा है टू एड द ग्रीन टच एंड ये वर्क स्टेशन का फुल डिटेल्स मैं ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, ऊपर लिंक डाल दूंगी तो आप चेक कर सकते हैं. दिस इज फ्रॉम फर्लिंगो एंड ऑल्सो आई हैव केप्ट वन कैलेंडर, एक छोटा सा मनी प्लांट रखा है बिकॉज दैट गिव्स मी ऑल द पॉजिटिविटी दैट आई नीड. एंड इस वॉल में भी हम लोगों ने सेम वॉलपेपर इंस्टॉल करवाया है. आई हैव नॉट केप्ट एनी आर्टिफैक्ट्स इन दिस वॉल क्योंकि मुझे ये वॉलपेपर का फुल लुक बहुत ही ज्यादा पसंद है. Now coming to this wall which is just next to my workstation, I have tried to make a miniature accent wall out of it. I have added all these quirky decor hangings like some of the motivational posters, few of the hangings with some pop-up color taki meri nazar jab bhi is wall pe pade I always feel motivated and positive. Yes, little bit of pop-up color makes me energetic. And ये सारे products जो मैंने यहाँ hang किया है are from different kinds of source. कुछ मैंने arts and crafts mela से collect किया है, कुछ मैंने online खरीदा है, somewhere store bought, तो अगर हो सकता है तो मैं link डाल दूंगी. So this is how my workstation looks like. अभी कोरोना के चक्कर में हम लोगों को लास्ट 2 साल से घर में ही काम करना पड़ रहा था. So it was very important for me कि मैं घर में ही एक अच्छा सा and comfortable workstation create करूं. And मुझे कोई furniture भी नहीं खरीदना था. And that's why I rented this workstation from Furlenco. So now you can see this is the entire view of my living room. जितना हो सका मैंने आपको दिखाया है in details. Now let's see the night view. आपको मैं दिखाती हूँ रात में मेरा living room कैसा दिखता है. So
दिस इज हाउ माई लिविंग रूम लुक्स लाइक एट नाइट, रात में ऐसा ही दिखता है। हमने हमेशा वार्म व्हाइट या फिर येलो लाइट का ही यूज किया है, नॉट ओनली इन लिविंग रूम, इन एवरी अदर रूम ऑफ माई होम वी हैव ओनली इंस्टॉल्ड व्हाइट लाइट जहाँ हम लोगों की रीडिंग कॉर्नर है या फिर हम लोग जहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, वैसे ही जगह में एक दो जगह में हम लोग एक्चुअली व्हाइट लाइट का यूज किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीवेयर यू विल सी वार्म व्हाइट और येलो लाइट बिकॉज दैट क्रिएट्स अ कोजी एंड वेलकमिंग वाइब ऑफ द एंटायर रूम। नाउ टीवी यूनिट के पीछे दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, आप देख सकते हैं ये बैक लाइट कितना अच्छा इफेक्ट क्रिएट किया है। हम लोगों ने बैक लाइट को व्हाइट ही रखा है सो दैट इट कैन क्रिएट लिटिल बिट ऑफ कॉन्ट्रास्ट विद द एग्जिस्टिंग येलो फोकल लाइट। सो यस, दिस इज माई एंटायर लिविंग रूम एंड आई होप मैंने आपको एक फुल पिक्चर प्रोवाइड किया है। लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। इफ यू आर ट्राइंग टू रेनोवेट योर लिविंग रूम, आई वुड हाईली रिकमेंड टू गो विद सटल कलर्स एज इन सॉफ्ट न्यूट्रल कलर्स एंड देन एड पॉपअप कलर्स इन द डेकोर और द फैब्रिक्स हियर एंड देयर। एंड विद दैट वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको मेरा लिविंग रूम का टूर पसंद आया होगा। इफ सो देन डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताना आपका अगर कोई फीडबैक या सजेशंस है। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद एवरी वीडियो दैट आई पब्लिश। यू टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।